हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। माय नेम इज नितेश जमनानी, और फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज बेटा हम एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक चैलेंज है बेटा, जिसमें हम जेई के भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं, नीट के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज तो बेटा थोड़ा सा ट्विस्ट है ना। हमारे साथ में जेई के लेजेंड है अश्विनी त्यागी सर, वो नीट के सवाल करने वाले हैं, और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए जेई के सवाल करूंगा। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा सर। बिल्कुल आइए सर। थैंक यू सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, घबराया हुआ तो हूँ ही मैं, क्योंकि नीट में ऐसे एम्बिगुअस क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मतलब आप समझ लीजिएगा कि जेई के एजुकेटर्स की हालत क्या होने वाली है। तो चलिए सर, इस चैलेंज के लिए मैं तो अपने आप को रेडी कर ही रहा हूँ। आप रेडी हैं सर? बिल्कुल सर, रेडी हैं। और बच्चे भी कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो इस चैलेंज के लिए, तो कमेंट जरूर करके जाना है। सबसे पहले सर सॉल्व करने वाले हैं नीट के सवाल, राइट? तो सर स्टार्ट करें। तो सर आईआईटी वर्सेस नीट की ले लेते हैं, हीट देखते हैं बच्चों, ये हीट कैसे जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सामने आ जाता है सर। तो पहला क्वेश्चन सर देखिए जरा एक बार, कितने बच्चों को इसमें हीट नजर आई होगी। पहले में आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स। तो पहले ही स्टेटमेंट इतना खतरनाक दे दिया कि आपको सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार पढ़नी पड़ेगी, और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि यार ये तो बड़ा एम्बिगुअस स्टेटमेंट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पे क्या पूछा है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सर, नीट हो या जेई हो, एक चीज बड़ी कॉमन होती है, रीड क्वेश्चंस केयरफुली। अगर आप क्वेश्चंस को केयरफुली नहीं पढ़ते हैं बच्चों, तो आप सीधे सीधे आउट ऑफ रेस हो जाएंगे। यहां पर देखो, बहुत सारे बच्चों ने नॉट नहीं पढ़ा था नितेश सर, इसी वजह से दे आर आउट ऑफ रेस नाउ एंड दे आर प्रिपेयरिंग अगेन। तो अपने मिस्टेक से सीखना है। आप देखो क्या ये सही स्टेटमेंट है। तो एक बार आप देखिए, हैवी मेटल ऑक्साइड, कुछ तो हैवी मेटल ऑक्साइड रिड्यूस हो ही सकती है, तो नीट में कुछ तो सही है, तो मतलब सही है बात। आगे बढ़ जाते हैं, हैवी मेटल इज यूज्ड। अब देखो ये किस में आता है बच्चों, ये आता है आपके किस में, एल्डोल कंडेंसेशन में भी आपने देखा होगा। हम क्या करते हैं, ड्यूटेरियम एक्सचेंज यूज करते हैं, और साथ में आपने टॉटमरिज्म देखा होगा। किस में देखा होगा, टॉटमरिज्म में देखा होगा। तो यहां पर क्या होता है, जितने भी आपके टॉटमेरिक हाइड्रोजन होते हैं और जिन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उनके सबके हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, रिप्लेस। तो ये मैकेनिज्म में यूज होता है। थर्ड में आ जाते हैं, हाइड्रोजन इज यूज टू मेक सैचुरेटेड फैट्स। अब वनस्पति घी, कौन सा पति, वनस्पति घी बनाने में यूज किया जाता है, तो ये तो सबको पता ही होगा। तो ये भी बच्चे अब नाम रख के आएंगे सर, यूट्यूब पे बच्चे नाम रख के आएंगे, कौन सा पति, वनस्पति। नेक्स्ट पे आ जाओ, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड, ये तो हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट फॉर सिंगल बॉन्ड, क्यों? क्योंकि वीबीटी में सर क्लियरली लिखा हुआ है, ये तो एनसीईआरटी की लाइन हो गई, प्रॉपर लाइन से आया ये। जितनी क्लोजर वैलेंस शेल्स आर टू द न्यूक्लियस, हायर विल बी द ओवरलैपिंग, हायर विल बी बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। ये सही, ये सही, ये सही, ये पार्शियली सही है, ये दोनों गलत है। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, अब हमारे पास, अब ये दोनों सही है, ये तीनों सही है, ये फुल सही, ये फुल सही, ये पार्शियली सही। अब इसमें आ जाते हैं, हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट आर मोर रिएक्टिव देन आयरन। ऊपर वाले को कोई रिड्यूस कर पाया कभी बच्चों? तो ऊपर वाले को नीचे वाला कभी रिड्यूस नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में याद है आपको, आईआईटी में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, और बच्चों को मैं बताता हूं सर, इससे सीट प्रॉपरली मिल जाती है। कहीं बस में आप जाइए और बोलिए, लिख बाका नामगल मंजन कर सड़कोनी संपफी हैसन को आयो सिमर बरकल गोफ, तो लोगों को ये लैंग्वेज समझ में आएगी नहीं, आपको समझेंगे कि सटिया गया है, सटक गया है और सीट खाली। तो ये जोनी लिवर वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, तो ये आपके लिए बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, डी एंड ई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो देखिए अब हमें क्या पता है बच्चों, हमें पता है विनाइल का पड़ोसी, विनाइल का पड़ोसी, विनाइल का पड़ोसी क्या होता है, बोलो जरा। जैसे आपका पड़ोसी आप जानते हो ना, डेंजरस, तो बिल्कुल वैसे ही विनाइल का पड़ोसी क्या होता है, अलाइल होता है। विनाइल का पड़ोसी क्या होता है, अलाइल। अब देखो ये विनाइल, ये विनाइल, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अलाइल। तो दिस इज अलाइल, तो ये हमारे पास अलाइल हैलाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये इजी था क्वेश्चन। आगे वैसे तो आपने देखा होगा नीट 2023 में बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री ने मतलब बहुत तंग किया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे थे असर्शन रीजन टाइप के, जिनमें बड़ी मतलब डाटा ऐसे घुमा फिरा के दिया गया था। द नंबर ऑफ, तो बनाइल हो जरा इसे एक बार, क्या दिया हुआ है सर, पायरिडीन। तो पायरिडीन में देखो ये हमारे पास डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये जो लोन पेयर होता है ये तो ऑर्थोगोनल होता है, पता है आपको ये लोन पेयर क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है, तो ये रेजोनेंस में होता नहीं है। तो कितने पाई बॉन्ड है, तीन, तीन पाई बॉन्ड देखो, इसमें इसमें आउट आउट,
समझ गए आप? आगे देखो, अब हमारे पास एक लोन पेयर इसमें है, तो ये तो यानी ऐसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन जेई मेन में भी आते हैं सर। तो अब सर जेई चैलेंज के लिए आर यू रेडी? रेडी सर, रेडी। हाउ इज द जोश सर? हाय सर, हाय सर, है ना। तो नीट के क्वेश्चन देखिए हो चुके हैं, है ना। एक सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जो क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ है, इनकरेक्ट लिखा हुआ है, उसको आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है। अब हम लोग जेई के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो जेई के भी जो क्वेश्चन है आप वो देखिएगा, उनको ऑब्जर्व करिएगा, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, है ना। आप देखिएगा कि कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं जेई के, है ना। तो ये आपके सामने सर जेई का क्वेश्चन, यस, और वो भी थर्मो प्लस डायन मिक्स, यानी ऐसा टॉपिक जिसके अंदर डायन मिक्स है। हाँ, तो शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स में से, अगेन आप देखोगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जैसे एडियाबेटिक के बारे में बोल रहा है, तो एडियाबेटिक में क्या होता है बेटा, हीट एक्सचेंज नहीं होती। तो अगर हम लोग ये ले तो ये हो जाएगा आप लोगों का एडियाबेटिक, हीट एक्सचेंज क्या हो गया, जीरो हो गया। आइसोथर्मल क्या है, जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है यार, है ना। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा टी इज जीरो, तो ये हो गया आप लोगों का सेकंड का। आइसोकोरिक क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम आप लोगों की चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब अगेन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, तो वर्क डन जीरो हो गया। वर्क डन को आप लोग बेटा कैसे लिख सकते हो, वर्क डन अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो माइनस इंटीग्रल पी डीवी हो गया। तो यहाँ पे डीवी क्या हो गया, जीरो, क्यों, आइसोकोरिक है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, तो वर्क डन क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया आप लोगों का, ये फोर्थ हो गया। और आइसोबेरिक अगेन प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, आंसर थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन, हाँ, लेकिन बच्चों इससे पहले सर बोले, हाँ, यहाँ पे देखो आप लोग, आप भी साथ दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने नीट के क्वेश्चन किए हैं तो सारे नीट के बच्चे मेरा साथ तो देंगे। यहाँ पर देखो निशान लगा हुआ था। तो काश ऐसा पेपर में भी हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। तो आप हीट, ये जो सवाल आ गया, ये आप लोगों का बेसिकली किसे, कौन से मोल कॉन्सेप्ट है। अगेन आप देखोगे, एक बार क्वेश्चन पढ़िए ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आप लोगों को एक वॉल्यूम दे दिए और कॉन्सेंट्रेशन दे दिए, तो ये आप लोग केस वन मान लीजिए। अगेन आप लोगों को वॉल्यूम दे दिए और कॉन्सेंट्रेशन दे दिए, ये केस आप टू मान लीजिए, ठीक है। हम लोगों को पता है अगर हमें मूल्स निकालने हैं तो मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। वॉल्यूम किस में ले लेना, लीटर में, ठीक है, लीटर में ले, खैर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, रेशियो लेना है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी आपकी, 0.25, तो बेसिकली क्या हो गया, 1/4। तो यहाँ पे मोल्स में क्या बोल देता हूँ, N1, ये मैंने केस मान लिया पहला। वॉल्यूम कितनी होगी आपकी, 500 ml, तो लीटर में लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बेटा, यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके 1/8, सॉल्व कर लीजिएगा, ये 1/2 यहां जाएगा, तो 4 × 2 = 8 आ गया। अब इसको हम लोग केस 2 मान लेते हैं। देखिए कितना इजी सवाल है, ऐसे टाइप के सवाल भी आप लोगों के जेई में आते हैं, तो बहुत ज्यादा घबराना नहीं होता है जेई के सवालों से। तो यहां पे देखिए आप लोगों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.25 है, तो अगेन यहां पे क्या बन गया आप लोगों का, 1/4 बोल दें, मोल्स बोल देते हैं हम लोग N2, और वॉल्यूम क्या है आप लोगों की, 250 ml, तो लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/4 हो जाएगा, तो ये आप हो गया आपका 1/4। तो N2 कितना आ गया आप लोगों का, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1/16। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है रेशियो ऑफ मासेस। हम लोगों को पता है अगर आप N1/N2 करोगे, है ना, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, W1/W2 आ जाएगा, क्योंकि मोलर मास तो सेम है। मोलर मास सेम क्यों है भाई, एक ही तो कंपाउंड है, इथाइलिन ग्लाइकॉल ही दे रखा है, तो कुछ नहीं, मोल्स का रेशियो ले लो। जब आप N1/N2 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 1/2, तो आंसर आपका हो गया पहला ऑप्शन। तो बिल्कुल सही, देखो मतलब जेई के क्वेश्चन में और नीट के क्वेश्चन में कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है बच्चों, बस आपके दिमाग का खेल है ये। जब हम दिमाग में ये लेके जाते हैं कि जेई का क्वेश्चन है, तो हम पहले ही कई बार हथियार डाल देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, तो यहाँ देखिए, है ना। अब ये सरफेस केमिस्ट्री का है, ठीक है। सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। अब देखिए नीट में इनकरेक्ट आया था, यहां पे क्या पूछ रहा है, करेक्ट। तो सबसे पहली सीख क्या है, क्वेश्चन अच्छी तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फिजियोज ऑप्शन। अब आ जाओ पढ़ लेते हैं चारों के चारों ऑप्शन है। फिजियोज ऑप्शन इज मोनोलेयर फिनोमेना, ये गलत है। हम लोग क्या बोलते हैं भैया, फिजियोज ऑप्शन बोलता है कि किसी से कोई भी आ जाए, कोई भी जुड़ जाए, तो क्या बनाता है, मल्टी लेयर बनाता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका। इट इज अ स्पेसिफिक इन नेचर, गलत है भाई। केमीज ऑप्शन होता है, ये तो वेंडर वॉल फोर्सेस बनाता है, फिजिकल एडसॉर्प्शन, तो ये तो बोलता है कोई भी आ जाए और आके जुड़ जाए, तो स्पेसिफिक नहीं है। इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिएगा, फिजियोज ऑप्शन इज जस्ट लाइक, आपने देखा है ना यूट्यूब पे जो चैट चल रही होती है, फिजियोज ऑप्शन है, तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, कोई स्पेसिफिक नहीं होती, स्पेसिफिसिटी जीरो होती है यूट्यूब।
प्रोफेसर देखा होगा ना आपने, एक एक बच्चा बैठ कर सबको हेलो बोलता है, तो ये सबको हेलो बोलता है। अब देखिए यहाँ पे है ना, अब फिजिक्स ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड क्या रहते हैं, वैंडरवाल फोर्सेस रहते हैं, तो बॉन्ड वीक रहते हैं ना, तो यहाँ पे लो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन रहेगी, ये बिल्कुल करेक्ट है ना, और हाई नहीं होगी, ये किसमें होगी, केमिकल एडसॉर्प्शन में। तो अगेन आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ये टफ है क्या सवाल, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है, आप लोगों से करेक्ट पूछा था। और बाकी आप ए बी और डी देखोगे तो वो तो डायरेक्ट कर देना है कि यार ये तो गलत ही है, इकलौता ऑप्शन जो करेक्ट है वो क्या है, सी है, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए बेटा जेई वर्सेस नीट, आई होप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख क्या मिली होगी कि जो जेई के सवाल हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो हम लोग उन्हें भी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल करा जा सकता है। सर एक चीज और, इस साल एक बच्चे ने नीट का पेपर दिया और वो नीट में एम्स भुवनेश्वर में पहुंचा सर, और उसने जेई का पेपर दिया सर, और जेई के पेपर में उसने मैथ्स छोड़ के आया और 176 मार्क्स लेके आया। तो सर ये बताने के लिए काफी है कि नीट में और जेई में सिर्फ मैथ्स का डिफरेंस है, केमिस्ट्री और फिजिक्स का डिफरेंस है नहीं, जेई मेन में स्पेशली कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है जेई मेन में और नीट में। तो आपको, और एक चीज और भी है सर, 10% आपका पेपर जेई का जो नीट से, नीट का जेई से हर बार क्या होता है, चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट्स को, कम से कम क्या कर देते हैं, डाटा चेंज कर देते हैं। एनटीए वाले भी तो थोड़ा सा लेजी टाइप के हैं ना, वो पिछले पुराने पेपर उठा के बैठते हैं, नीट में जेई वालों का डाल देते हैं, जेई में नीट वालों का थोड़ा सा डाल देते हैं, दो चार क्वेश्चन इजी रखने के लिए, तो ये हमेशा हो रहा है सर। तो इससे सीख क्या मिली बच्चों आपको, तो जो भी ये वीडियो है उसे अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, हमने दोनों तरीके के क्वेश्चन करे हैं आप लोगों के लिए, नीट के भी करे हैं, जेई के भी करे हैं। कमेंट हर कोई बच्चा करके जाएगा कि आप लोगों को क्या इस वीडियो से लर्निंग मिली है, वो जरूर करके जाएंगे। विनर? हाँ। जल्दी से बताइए हु इज द विनर, कमेंट कंटेंट इज द विनर, जेई एंड नीट दोनों विनर हैं बच्चों, आप दोनों के आप याद रखिएगा, कंटेंट इज द विनर, सब्जेक्ट इज द विनर, ये बात याद रखिए। चलिए है ना, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, और हम लोग ऐसे ही रेगुलर सेशंस में मिलेंगे। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।